आज इस ऐतिहासिक स्थल पर हम आजादी के 75 वर्ष की वर्षगांठ और अमृत महोत्सव की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने साबरमती आश्रम से आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की है। ये बड़े गौरव की बात है कि ये स्थल जहां आज से हम इस अमृत महोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं, महाराजा पृथ्वीराज चौहान जी के असाधारण वीरता और साहस से विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया, इस देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया, इसलिए इस स्थान का अपने आप में महत्व बहुत है। और इसीलिए जब कोई कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो उसके स्थान का भी बड़ा महत्व होता है। महाराजा पृथ्वीराज चौहान एक असाधारण वीरता के धनी नहीं थे, उन्होंने देश की रक्षा, देश की संस्कृति को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। आज हम ये अमृत महोत्सव जब मनाने जा रहे हैं तो 75 वर्ष जब हमारे पूरे होंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस 75 वर्ष की यात्रा में हमने देश में बहुत प्रगति की है। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय कई देशों को लगता था कि भारत प्रगति नहीं कर पाएगा, भारत में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि अलग अलग रियासत और छोटे छोटे राज होने के कारण हम विविधताओं के माध्यम से बटे हुए थे। लेकिन मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करना चाहूंगा जिन्होंने संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधा, और आज जब हम 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं तो विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारत जो विविधता लिए हुआ है, अलग अलग क्षेत्रीय भाषा, अलग अलग क्षेत्रीय धर्म, अलग अलग विचार, लेकिन उस सब के बाद संपूर्ण भारत ये विविधता ही हमें एकता का सूत्र में बांधने का काम कर रही है, यही हमारी संस्कृति है। और आज इस लंबी स्वर्णिम यात्रा में हमने देश में बहुत प्रगति की है, हमारा लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, हमने आजादी के बाद से इस लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करने के लिए हमारे देश के युवाओं ने विशेष रूप से भूमिका निभाई है। और इसलिए 17 आम चुनाव और 400 विधानसभाओं के चुनाव में लगातार मतदाताओं का मत प्रतिशत बढ़ना इस बात का परिणाम है कि हमारे देश के अंदर लोगों का लोकतंत्र और प्रजातंत्र पर विश्वास बढ़ा है। और आज मैं विशेष रूप से कह सकता हूं कि इस मतदान के अंदर महिलाओं का प्रतिशत बढ़ना हमारा ये विशेष रूप से प्रयास है कि इस देश के अंदर संपूर्ण समाज के सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के अंदर लोकतंत्र मजबूत हो। और इसीलिए इस लोकतंत्र की लंबी यात्रा के अंदर हमारा लोकतंत्र सशक्त मजबूत नहीं हुआ है, हमने संपूर्ण देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं के रूप में एक मार्गदर्शक भूमिका के रूप में भी काम किया है। आज हमारे सशक्त और मजबूत लोकतंत्र के कारण हम ये कह सकते हैं कितनी भी
विपदा हो, कितना भी संकट हो, लेकिन उसके बाद सत्ता का सहज रूप से स्थानांतरण होना, यही हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। और इसलिए चाहे केंद्र हो चाहे राज्य में हो, कई बार सत्ता का स्थानांतरण हुआ है और वह सहज रूप से हुआ है, इसलिए पूरा विश्व देखता है इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर सत्ता का सहज रूप से स्थानांतरण होना, मतदाताओं के द्वारा लगातार मतदान का प्रतिशत होना, यही लोकतंत्र की विशेषता है। और इसीलिए मैं आज नौजवानों आपको ये आह्वान करना चाहता हूं, इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे हजारों लोगों ने बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, आप जैसी उम्र के नौजवान उस समय देश की रक्षा के लिए राष्ट्र के समर्पण भाव से उन्होंने फांसी के फंदे पर लटकने का काम किया। इतना ही नहीं, हजारों असंख्य लोग ऐसे हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते, उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी और बलिदान दिया है। और आज ये अमृत महोत्सव जहां हमारी कुर्बानी और बलिदानों को याद करते हुए हमें देश के लिए समर्पित होने के लिए प्रेरक करने का काम करता है, वहीं हम इस आजादी के 75 साल के अंदर विश्व के अंदर सबसे तेजी से आर्थिक रूप से बढ़ते हुए देश हो और हर क्षेत्र के अंदर भारत आगे बढ़े, यही हमारी उन आजादी में दीवानों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए मैं नौजवानों आपसे एक आह्वान करना चाहता हूं कि हम देश की युवा पीढ़ी हैं और इस देश की युवा पीढ़ी के कंधों पर यह बोझ है कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं, तो देश के अंदर विशेष रूप से नौजवानों का योगदान होना चाहिए, हमारा हर क्षेत्र के अंदर इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान हो, हमारे हर कार्य में देश सबसे पहले हो, इसी भाव से काम करते हुए जब आजादी के 75 साल हो तब हम देश को सबसे वैभव पर ले जाए, यही हमारा संकल्प होगा। और इसी संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है और इसी संकल्प के साथ हमें काम करना है कि हमारे हर कार्य में हमारे हर विचार के अंदर देश सबसे पहले प्रथम हो और इसी विचार को लेकर आगे बढ़े। इस अमृत महोत्सव पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, विशेष रूप से विभाग को भी बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने अल्प संख्यक समय में इस कार्यक्रम को आयोजित किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।